किसको पता, और उसमें क्या कहा गया था, किधर इशारा था कि मुसलमान जनसंख्या में ज्यादा हो गया है इसलिए हिंदू घट गया है, ऐसी बात नहीं थी। वहां साथियों इस देश का जो आदिवासी है 2011 की जनगणना में यदि 49 लाख यदि सरना के लोगों ने हिंदू की सूची से अलग होके अपनी सरना धर्म लिखवाया, इधर 10 लाख के लगभग गौण जाति के लोगों ने गौणी धर्म लिखवाया, तो ऐसी स्थिति के कारण साथियों उनकी नजर आदिवासियों पर पड़ी कि ये भाग रहे हैं इसलिए इनको रोका जाए, तो कहीं ईसाइयों के ऊपर आरोप लगाना, कहीं मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाना, इस तरीके से साथियों आपके ऊपर इशारा था। और यही इशारा करते हुए साथियों अभी फिर वही बात आ रही है कि उनको लगने लगा कि सारे देश में आदिवासी अब अपने प्रकृति धर्म, अपने आदिवासी धर्म, अपने ट्राइबल धर्म की तरफ लगातार हो रहा है। आने वाले समय में यदि जनगणना होगी, यदि इनको हम छूट दे दिए तो भारी तादाद में हिंदू घटा देश बदा फिर बात होने लगेगी। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में जाके कहा कि हमको लोगों को हिंदू धर्म के लिए आकर्षित करना है, वहां विरोध हो रहा है। साथियों तुम कौन होते हो, तुम भी एक तरीके से धर्मांतरण में लग गए, ईसाई धर्मांतरण के बारे में आप खूब चिल्लाते हो लेकिन आदिवासियों का आप तो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हो, ये हम लोगों को पसंद नहीं है, हम आपका विरोध करते हैं। और इसीलिए साथियों उधर नहीं तो शासन प्रशासन की मदद से जिस तरीके से संविधान में शुरुआती दौर में आदिवासी और जनजाति वाली बात आई थी, उसी तरीके से साथियों आज इन्होंने धर्म सारणी में जो धर्म के जो कलम है उसका जो प्रपत्र है उस प्रपत्र में, जनगणना प्रपत्र में उन्होंने साथियों अन्न का कलम भी मिटा दिया है। अन्न का कलम मिटाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कुछ अभी संकेतों से प्राप्त हुआ कि वहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे 7 कलम रखे गए हैं, 8वां कोई कलम नहीं रखा गया है। साथियों ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, और इसलिए उस सब की तैयारी हमें पूर्व से ही होना चाहिए। पूरे देश के हमारे पदाधिकारी, हमारे देश के धर्मावलंबी जो मुखिया आए हुए हैं, ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इन ऐतिहासिक बारीकियों को हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, उनके नीति नियमों को समझाना पड़ेगा, और जब तक नहीं समझाएंगे तब तक हमारे समाज को ये सामने वाले गुमराह करके कहीं आरएसएस के माध्यम से तो कहीं भागवत के माध्यम से इससे उससे, और ज्यादा ही हुआ तो प्रशासनिक माध्यम से भी आपके ऊपर षड्यंत्र करेंगे। साथियों इस षड्यंत्र से सतर्क हो जाएं, आप फ्रंट लेवल के लोग हैं, फ्रंट लेवल के कार्यकर्ता हैं, फ्रंट लेवल के पदाधिकारी हैं, गांव गांव जाकर इस बारी बात करते हुए अपनी बातों को